हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। मैं उमर तस्कीर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्डप्रेस की और देखेंगे कि किस तरीके से हम फर्स्ट पोस्ट अपनी क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस पर। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं लोकल होस्ट पर और हम अपने ब्लॉग को सेटअप कर सकते हैं या वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग और सीधे चलेंगे वर्डप्रेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में हम लोगों ने देखा था, लास्ट वीडियो में भी, किस तरीके से हम लोगों ने वर्डप्रेस को सेटअप किया था एसटी डॉक्स फोल्डर के अंदर। तो सीधे वहीं से मैं आपको बताना वापस शुरू करता हूं। ये था हमारा एसटी डॉक्स का फोल्डर और इसके अंदर जो हम ब्लॉग बनाना चाह रहे थे या जो हम वेबसाइट बनाना चाह रहे थे वर्डप्रेस के ऊपर, उसका हम लोगों ने नाम रखा था डब्ल्यू एस क्यूब टेक, यानी कि जो हमारा पूरा ब्लॉग है। अब आपको इसको जो लेमैन लैंग्वेज है, बिल्कुल बेसिक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी पूरी वेबसाइट है या पूरा जो मेरा ब्लॉग है, उस पूरे ब्लॉग का ये फोल्डर है, ये कंप्लीट उसका फोल्डर है जिसको हमने डब्ल्यू एस क्यूब टेक नाम से रखा हुआ है। अब इसी फोल्डर को हम एडिट करेंगे, इसी फोल्डर के अंदर हम चेंजेस करेंगे और उन्हीं चेंजेस को हम अपने ब्राउजर पर देखेंगे ब्लॉग के फॉर्म में। तो चलिए अब ब्राउजर पर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए, जो हम लोगों ने यहाँ पर फोल्डर देखा है, इसको हमें एक्सेस करना है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर क्या डालेंगे, लोकल होस्ट एंड स्लैश डब्ल्यू एस क्यूब टेक। ये अभी क्यों नहीं रन हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी हमें नहीं दिखा, दिस साइट कांट बी रीच्ड ऐसा शो कर रहा है। तो ऐसा इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जैम्प, जो कि हमारा लोकल सर्वर है, उसको स्टार्ट नहीं किया। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जैम को स्टार्ट कर लेना है, उसके बाद अगर आप इसको वापस रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ब्लॉग की डिफॉल्ट जो अपीयरेंस है, जो डिफॉल्ट थीम है, उससे कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। बट आपको ये नहीं चाहिए, आपको तो अभी इसमें ब्लॉग सेटअप करना है, अपनी पोस्ट क्रिएट करनी है। तो वो सारे इनिशियलाइजेशन हम लोगों को करने हैं। उन चीजों को करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सीधे यहां पर, क्योंकि अब हमें एडिट करना है, इसलिए हम लोग सीधे यहाँ पर WP, जो वर्डप्रेस को डिनोट करता है, एक छोटा सा हाइफन और एडमिन यहाँ पर इस टाइप से टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो हम वर्डप्रेस के लॉगिन पैनल पर आ जाते हैं। अब हमारा यूजर नेम और पासवर्ड था, हमारा यूजर नेम हम लोगों ने पहले एडमिन रखा था और पासवर्ड भी हम लोगों ने एडमिन रखा था। अगर इसको समझने में आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप वो पहला वाला जो वीडियो जिसमें हम लोगों ने वर्डप्रेस सेटअप किया था, डेटाबेस बनाया था और किस तरीके से डब्ल्यू एस क्यूब टेक एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था, उसको आप वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं और यहां ऊपर आई बटन में भी वो लिंक शो करेगा। तो आप इस तरीके से एडमिन यहां पर मैं डाल के इसमें लॉग इन कर लेता हूं। अब जो हमारी डब्ल्यू एस क्यूब टेक का ब्लॉग था, उसका हमारे पास जो डैशबोर्ड है वो खुल गया। अब हम यहां से जितने भी चेंजेस करेंगे वो हमारे ब्लॉग में अपियर होंगे। तो सबसे पहले बेसिक काम तो अपना ये है कि सबसे पहले हम लोग उसकी एक बेसिक थीम सेटअप कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले डैशबोर्ड में क्या है, वेलकम टू वर्डप्रेस, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का है, एक स्नैपशॉट टाइप का है हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट या ब्लॉग का। तो इसको हम लोग डिसमिस कर देते हैं अभी। और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अभी जो एक पोस्ट है वो आपकी हो चुकी है, कौन सी पोस्ट, हम लोगों ने तो कोई पोस्ट नहीं की, फिर यहाँ पर ये कौन सी पोस्ट, इसको आप देख सकते हैं, लोकल होस्ट डब्ल्यू एस क्यूब टेक, ये इस पोस्ट की बात कर रहे हैं जो बाय डिफॉल्ट आती है, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू द वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट और डिलीटेड, देन स्टार्ट राइटिंग। यानी ये इंस्ट्रक्शन आपको दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। ये हमने एक बाय डिफॉल्ट एक पोस्ट करके रखी है, आप चाहे तो इसको एडिट कर दें इसी पोस्ट को, या आप चाहे तो इस पोस्ट को पड़ा रहने दें, एक नई पोस्ट बना लें, तो उस हिसाब से हमारा ब्लॉग सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको डैशबोर्ड में एक पोस्ट दिख रहा है वो यही है, कमेंट और एक पेज। तो ये जो बाय डिफॉल्ट हमारा पेज बना हुआ है ये पेज पर दिख रहा है और एक कमेंट्स जो यहाँ पर है वो दिख रहा है और ये पोस्ट हम लोग को दिख रही है। तो इतनी चीजें हम लोग को दिख रही है, जो आप रिसेंट एक्टिविटी करेंगे वो भी यहाँ पर दिखती रहेगी आपको। तो सबसे पहले बेसिक स्टेप हमारा क्या है कि सबसे पहले हम लोग को जाना है अपीयरेंस में और थीम्स को थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी ये वाली थीम हमारी सेलेक्टेड है, आप चाहें तो कोई दूसरी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं यहां से। और अगर आपको यहां से नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां पर जाएंगे और इसमें देखेंगे कि बहुत सारी थीम्स हैं, आप जो भी चाहें थीम्स को सेलेक्ट कर लें। तो हम लोग ब्लॉग टाइप का सेटअप कर रहे हैं तो एक बेसिक सी थीम कोई सी भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, सपोज करते हैं ये वाली थीम हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको इंस्टॉल कर देते हैं। नाउ दिस थीम इज इंस्टॉल्ड, तो आपको इसको फिर से एक्टिवेट करना है ताकि जो आपकी पुरानी वाली थीम, डिफॉल्ट वाली थीम थी, ये थीम उससे ओवरराइट कर जाए। अब इस थीम का लुक इस तरीके से था, वापस हम अपने पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कुछ चेंजेस आए कि नहीं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा बिल्कुल चेंजेस आ गए, बट आपको काफी कंफ्यूजन होता होगा इस टाइप से देखकर
कि भाई यहाँ पर हमको तो एक बैनर दिख रहा है, देन यहाँ कुछ इमेजेस दिख रही हैं, वो सारी यहाँ पर चीजें क्यों नहीं है, और यहाँ पर कुछ पेज दिख रहे हैं आपको, एक होम पेज है, या इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, होम पेज है, देन न्यूज का पेज है, देन पेजेस है, एडवांस्ड है, ये सारे पेजेस यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो आपको ये एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ से मिल जाता है। अब जैसे जैसे आप इसके अंदर कंटेंट अपलोड करते रहेंगे, वैसे वैसे यहाँ पर चेंजेस आते रहेंगे। तो इनको भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए अपीयरेंस में थीम के नीचे आपको कस्टमाइज दिख रहा है, या अगर यहाँ से नहीं आप जाना चाहते तो आप थीम में ही देखेंगे, यहाँ पर आपको कस्टमाइज दिख रहा है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप थीम को एक्सेस कर पाएंगे कि थीम के कौन कौन से कंपोनेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो पेड कंपोनेंट्स हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा सा, फ्री ऑप्शंस पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर मोबाइल कॉल, अगर मोबाइल नंबर आप डाल देंगे तो वो सारी चीजें आपकी वेबसाइट पर अपीयर हो जाएंगी, आपकी ब्लॉग पर अपीयर हो जाएंगी। कस्टम सीएसएस कोई एनिमेशन वगैरह आप अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं, कोड थोड़ा सा लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख कर इस वाले वेब पेज पर उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो ये कुछ फ्री ऑप्शंस हैं आपके पास। देन यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, हेडर की इमेज दिख रही है। थोड़ा सा हेडर की इमेज पे हम लोग जाते हैं और एक कोई हेडर की इमेज सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक नॉर्मल सी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन सेलेक्ट एंड क्रॉप इमेज, क्योंकि इसका जो इस इमेज का जो मैंने अभी सेलेक्ट करी ये मैच नहीं कर रही थी। यहाँ पर जो स्पेस बाय डिफॉल्ट होती है आपको उससे मैच कराना होता है। अभी देखिए ये यहाँ पर केवल आपको प्रीव्यू दिख रहा है, जब आप यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो ये चीज आपकी पब्लिश्ड हो जाएगी, यानी सेव हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर वापस इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ, ये देखिए यहाँ पर एक हेडर इमेज आ गई। तो इस तरीके से आप थोड़े बहुत यहाँ पर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जिस भी तरीके के आपके कस्टमाइजेशन चाहिए होते हैं। तो ये कुछ बहुत बेसिक चीज है कि भाई आपको पहले हेडर सेट कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर कुछ अगर पेजेस आप बनाना चाहें तो आप पेजेस बना सकते हैं। देखिए पेजेस का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, हम पेजेस पर जाएंगे और पेज में सबसे पहले हम लोग कर देते हैं अपना एड न्यू पेज, और यहाँ पर एड न्यू में हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं पेज का नाम अबाउट अस, और यहाँ छोटा सा कंटेंट लिख लेते हैं, दिस इज अ अबाउट अस पेज। नाउ अगर आप प्रीव्यू करना चाहें तो यहाँ से देखिए आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि हमारा पेज कैसा दिख रहा होगा। तो ये आपका पेज हो गया अबाउट अस पेज। नाउ क्लिक पब्लिश एंड पब्लिश, तो दिस पेज इज ओके। नाउ ये पेज हमारा अब लाइव हो चुका है, यहाँ पर स्टेटस भी आपको दिख रहा है। लाइव का मतलब ये पेज अब हमारा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये पेज हमें विजिबल हो जाएगा। अब आप देखिए अबाउट अस का पेज आ गया, और ये जो हमने अभी अबाउट अस का पेज बनाया है वो यहाँ शो कर रहा है। सैंपल पेज जो ऑलरेडी बना हुआ था, इनका बाय डिफॉल्ट पेज था, वो वाला पेज है। अगर आप इस पेज में कुछ चेंजेस करना चाहें, जैसे जो हम लोगों ने सैंपल पेज है ऐसा नाम दिया हुआ है इसको, अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो आप नॉर्मली इसमें एडिट पर क्लिक करेंगे और इस सैंपल पेज को हम लोग कुछ नाम रख देते हैं, जैसे माई कंटेंट। मैं तो अभी आपको समझाने के पर्पज से छोटे जनरल नाम रख दे रहा हूँ, आपको जो भी आपको सुटेबल हो उस टाइप का आप नाम यहाँ पर रख सकते हैं। तो अब हमने इसको चेंज कर दिया माई कंटेंट और अपडेट कर दिया। अब अगर हम वापस इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अबाउट अस आ गया और यहाँ पर कंटेंट आ गया। अबाउट अस के पेज पर हम जाए तो हम लोगों ने देखिए अबाउट अस एंड दिस इज अ अबाउट अस पेज, इस टाइप से हम लोगों ने छोटा सी लाइन लिखी थी वो यहाँ पर विजिबल हो रही है। अगर आप माई कंटेंट पर जाएंगे तो देखेंगे जो बाय डिफॉल्ट था वो यहाँ पर है। अबाउट अस में हम और भी ज्यादा चेंजेस कर सकते हैं। देखिए अभी हम क्योंकि एडमिन से लॉगिन है इसलिए हमारा यहाँ पर भी पोर्टल, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हमें ऊपर दिख रहे हैं। यहाँ से भी हम जो है नया पोस्ट या नई मीडिया या नया पेज डेवलप कर सकते हैं, दूसरा यूजर यहां से एंटर कर सकते हैं। तो अभी अबाउट अस में अगर हम और कुछ भी डालना चाहे, जैसे हमने यहाँ पर एडिट डाल दिया और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे और भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। मैं एक मिनट ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे कितने ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, क्या क्या चीजें आप इस पेज पर ला सकते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स ला सकते हैं, कॉमन ब्लॉक्स जो होते हैं हमारे वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, इमेजेस, फोटोज, वीडियोस, बहुत सारी चीजें, ऑडियोज, फॉर्मेटिंग आप इसकी चेंज कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको HTML आता है तो उस टाइप से आप इसको रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, मैं एक इमेज यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ आपको, कोई भी इमेज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं।
अब यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो इस इमेज को लेके काफी थोड़ी बहुत से चेंजेस करने के लिए आपको मिलते हैं। परमालिंक यहाँ पर दिया हुआ है जो कि हमारा परमानेंट लिंक होता है, यूआरएल होगा इस पेज का, वो है हमारा। देन फीचर्ड इमेज है जो इस पेज के ऊपर अपियर होगी, हमेशा यहाँ अबाउट अस के ऊपर अपियर होगी, वो हमारी फीचर्ड इमेज होगी। एक बार मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। सपोज करते हैं इसी इमेज को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं फीचर्ड इमेज में। नाउ आपको इसको अपडेट कर देना है। अब हम वापस इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि ये देखिए जो हम लोगों ने चेंजेस किए थे वो यहाँ पर शो हो गए, राइट। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा सा माई कंटेंट पर जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको पोस्ट करनी है। तो आप न्यू पर जाएंगे यहाँ पर पोस्ट वाले ऑप्शन में और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सिंपल कुछ, दिस इज अ पोस्ट, और नीचे कुछ कंटेंट डाल दें ताकि हम समझ पाए कि वहां पर जो पब्लिश होने के बाद कंटेंट दिखेगा वो कैसा दिख रहा है। दिस इज अ नॉर्मल पोस्ट, और कुछ कंटेंट मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से अपनी वेबसाइट से ताकि मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मैं जल्दी से जो चीजें आपको समझाना चाहता हूँ वो आप समझ जाए। यहाँ हम लोग आ चुके हैं WSQTech की वेबसाइट पर और थोड़ा सा यहाँ से हम लोग इस कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं और ये हम लोगों ने यहाँ पर कंटेंट लिख दिया। अब यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन मिल रहा है, आप इस कंटेंट को H1 H2, क्योंकि H1 तो ये हम लोगों ने डिफाइन कर दिया तो आप इसको H2 हेडिंग मान सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये हम लोगों की एक थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पर हम लोगों ने डाल दिया। साथ ही साथ अगर हम कोई फोटो डालना चाहें तो हम यहाँ फोटो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ एक मिनट ताकि मैं आपको जल्दी से फोटो भी दिखा दूँ यहाँ पर ऐड करके। यहाँ पर इस पोर्शन के बाद हम लोग यहाँ पर एक इमेज ऐड कर लेते हैं, अपलोड, जो भी हम लोगों ने इमेज एक डाउनलोड करी थी उसको यहाँ पर रख देते हैं। अब चाहे तो इस इमेज का कैप्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, SEO इमेज। और अगर इमेज पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि आप इमेज के भी बहुत से यहाँ पर जो इमेज से जुड़े हुए एट्रीब्यूट से उनको लिख सकते हैं, जैसे ऑल टेक्स्ट। हम लोग को पता है कि सर्च क्रॉलर्स जो होते हैं वो हमारे टेक्स्ट को रीड कर पाते हैं, इमेज को वो नहीं समझ पाते हैं। तो इमेज को समझने के लिए क्या करना होता है, इमेज के लिए हमें बताना होता है कि भाई ये इस इमेज का ऑल टेक्स्ट है और ये इमेज इससे जुड़ी हुई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SEO इमेज। यहाँ पर आप डायमेंशंस कर सकते हैं, अगर आपको इस इमेज के ऊपर कोई लिंक लगाना है, कोई कस्टम URL लगाना है तो आप उसको लगा सकते हैं कस्टम URL को wscubetech.com। और ये तो हो गया हमारे SEO से रिलेटेड चीज। जैसे अगर हम इसको कोई लिंक देना चाहते हैं, रिलेशन देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर इसको पब्लिश कर दिया और वापस इसको पब्लिश करते हैं। अब हम लोग देखते हैं ज़रा कि हम लोगों को ये चीज़ें कैसी दिख रही हैं जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर चेंजेस किए। ये तो हमारा अबाउट अस पेज था, आपको सीधे यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे आप देख सकते हैं जो विजिट वेबसाइट था उस पर क्लिक किया हम लोगों ने। अब आप देखिए जो हम लोगों ने फर्स्ट पोस्ट क्रिएट की थी वो यहाँ पर इस टाइप से हमको दिख रही है। तो इस तरीके से आप पहली पोस्ट अपनी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा बहुत आप अपने ब्लॉग का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं ताकि आपका ब्लॉग देखने में अच्छा लगे। बाकी अगर कोई आएगा और यहाँ पर कमेंट करेगा तो आपको वो सारी चीजें इस वाले पैनल में आपको समझ में आएंगी कि यहाँ पर अगर किसी ने कमेंट किया है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक कमेंट कर देता हूँ, दिस इज अ कमेंट, नाउ पोस्ट कमेंट। अभी हम वापस कमेंट्स में जाते हैं तो देखिए किसी ने यहाँ पर कमेंट किया है वो चीज आपको यहाँ पर दिखती है। तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आ रहा है स्पैमिंग हो रही है तो आप स्पैम में उसको लेकर जा सकते हैं। तो इस टाइप से कुछ जो जनरल फंक्शंस थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। देन बहुत सारी प्लगइन्स आती है, प्लगइन्स होते हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और ज्यादा कस्टमाइजेशन अपने ब्लॉग में कर सकते हैं। अगर आप SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ब्लॉग को देख रहे हैं तो आप अपने जो प्लगइन है उसमें आप योस्ट प्लगइन का यूज कर सकते हैं। जो मीडिया वाला सेक्शन होता है तो जितनी भी फोटोज अभी तक आपने अपलोड करी वो यहाँ पर सेव हो गई हैं। आप इस लाइब्रेरी में और ज्यादा भी फोटोज अपने कंप्यूटर से यहीं पर डायरेक्टली सेव करके रख सकते हैं। जो आपके जो हम लोगों ने यहाँ पर
एसटी डॉक्स वाला फोल्डर देखा था, और एसटी डॉक्स वाले फोल्डर के अंदर हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को बनाया था जो WS CubeTech नाम से था। तो इसी के अंदर आपको इमेजेस मिल जाएंगी। देखिए जो हम लोगों ने थीम वगैरह डाउनलोड करी थी वो सारी थीम्स हमको यहाँ पर मिल जाती हैं। देखिए ये तो बाय डिफॉल्ट थीम्स थी जो ऑलरेडी थी, और उसके बाद हम लोगों ने एक थीम अलग से SUS मैगजीन डाउनलोड करी थी, देखिए वो थीम यहाँ आ गई। यानी कि जो भी आप अपनी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, ब्लॉग पर काम कर रहे हैं, वो सारा काम आपका यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर है। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट को कहीं मूव कराना है, हम सपोज करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ले जाना चाहते हैं, तो नॉर्मली आपको क्या करना है, इसी फोल्डर को कम्प्लीटली उठा लेना और आपका ब्लॉग आपके पास होगा, आप जहाँ चाहे उसे मूव कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स एक बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि आप किस तरीके से वर्डप्रेस को सेट करेंगे, फिर वर्डप्रेस पर किस तरीके से आप अपनी फर्स्ट पोस्ट को डिलीवर करेंगे, और थोड़ा बहुत किस तरीके से आप अपने ब्लॉग में चेंजेस कर सकते हैं। वर्डप्रेस से पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो जो है आपके ब्लॉगर के ऊपर भी बनाया है, जो कि गूगल का प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी मैंने बनाया हुआ है कि किस तरीके से हम ब्लॉगर सेटअप करते हैं और किस तरीके से ब्लॉगर पर हम अपनी फर्स्ट पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और जो हमारा wordpress.org और wordpress.com है उसको लेकर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आप चाहें तो आप उन सब वीडियोस को एक बार देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प वहां से मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ तो आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर फिर भी आपको इस वीडियो को लेकर डाउट लग रहा है तो आप तुरंत उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।